हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में। और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या नकल होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट कर रहे हैं, जब से उनको ये पता चला है खासकर ऑफिशियल नोटिस कि वो घर बैठे ही अपना एग्जाम दे सकते हैं, तब से उनके दिमाग में एक क्वेश्चन स्टक कर रहा है, यार घर बैठे एग्जाम दे सकते, मतलब हम लोग तो आराम से नकल कर लेंगे भाई, किताब से ढूंढ लेंगे, मोबाइल से ढूंढ लेंगे और आराम से आंसर कर देंगे। तो कहीं कहीं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं कैमरा ना ऑन हो, कैमरा ऑन होगा तो मतलब कैमरा हमें देखता रहेगा हरदम, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कैसे नकल करेंगे, जैसे नकल करेंगे। तो बहुत सारे तरीके से बातें चल रही हैं हमारे दोस्तों के मन में, क्योंकि इस बार बात कही गई है घर से एग्ज़ाम देने की और सारा एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला हुआ है। तो आज इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और बीटीपी डिजिटल एजुकेशन पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो भी सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं क्या नकल होगा। तो ऑनलाइन होगा घर से, छात्रों के दिमाग में पहला यही उनके दिमाग में आए जो चीज़ स्ट्रक किया जब घर से एग्जाम की कि भाई नकल हो जाएगा बहुत सारे। तो अगर आप अभी तक कोई ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो आप उसमें देखे भी होंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है। उसके अलावा अगर नहीं दिए हैं तो यहां पे हम बात करें दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम जब भी किसी भी पेपर का होता है ऑनलाइन, जिसमें आपको ऑनलाइन ही करना होता है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन आपको लिख के कुछ सेंड करना, नहीं इस वाले में नहीं, ऑनलाइन जब आपका एग्ज़ाम होता है कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस टाइम पे जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, मतलब जब वो चलेगा कि उस टाइम दोस्तों उस टाइम जो है आपका सब कुछ फंक्शन बंद हो जाए, केवल वही एग्जाम का पेपर दिखेगा और आपको उसमें सॉल्व करना रहेगा। मतलब अगर आप अपने सिस्टम पे दे रहे हैं एग्जाम तो सिस्टम पे आपके पेपर के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, आप माउस चला के बस उसमें आंसर कर सकते हो, कोई नया टैब नहीं ओपन कर सकते, मतलब आपका सिस्टम पूरी तरीके से उस टाइम लॉक हो जाता है। यानी अगर आप मोबाइल या लैपटॉप से दे रहे हैं तो मतलब उसमें और कुछ आप नहीं कर सकते एग्जाम देते टाइम। और दूसरी चीज है जो सिक्योरिटी के पर्पज से, और एक चीज नकल ना हो इसके लिए कैमरा तो अब हर डिवाइस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे इस ऑनलाइन एग्जाम में भी आपका कैमरा भी ऑन रखा जा सकता है, आपका कैमरा ऑन रखा जा सकता है जिससे आपकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकेगी कि मतलब आप क्या कर रहे हैं। हालांकि अभी इससे रिलेटेड कोई अथराइज नोटिफिकेशन नहीं आया कि नहीं आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें कैमरा ऑन रहेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में होती। अब बात रही नकल करने की या ना करने की, तो आजकल के आप सभी लोग इतने तो होशियार हो, अगर घर पे हो रहा है तो मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे कि आप ये क्वेश्चन, क्योंकि आप सामने से हट नहीं सकते हो, आप पेपर दे टाइम आपको सामने रहना है, आपको स्क्रीन के सामने ही दिखना है और उस टाइम आप हट नहीं सकते हो। अब किसी क्वेश्चन को अगर किसी दूसरे से आप लिखने ढूंढने के लिए कहोगे, जब तक वो ढूंढेगा तब तक आपका पूरा कितना ज़्यादा टाइम नुकसान, तो इसलिए आप उस नकल वाले पर्पज में चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ये मान के चलिए आपका नकल विहीन होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम भले ही घर से दिया जा रहा है लेकिन सारी टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा डेवलप है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, आप पढ़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप केवल नकल के सहारे कि भैया नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आराम से घर से देना है, आराम से जिससे पेपर होगा तुरंत हम नकल वकल करके दे लेंगे, तो इस चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका समझ लीजिए बड़ा दिक्कत है। तो आप पढ़ाई करिए और ये सारी चीज़ें हैं सिस्टम में कि मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे रहेगा कि आपके सिस्टम पर कुछ और नहीं चलेगा, उस टाइम केवल आपका पेपर रहेगा। दूसरी चीज़ है आपको सिस्टम के सामने ही रहना होगा जब तक पेपर चलेगा, मतलब आप इधर उधर नहीं जा सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है।
और तो आप नकल भी नहीं कर पाओगे इधर उधर, थोड़ी बहुत आप तो अगर आप करना ही चाहें मतलब तो भाई ये ओबीसी बातें हैं, कुछ ना कुछ तो अप डाउन, लेकिन उसके बहुत रेयर चांसेस हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप कहीं पे भी कुछ प्रयास करें। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और ऑनलाइन टेस्ट में जो इस बार क्योंकि नया पैटर्न बना है तो ऐसा नहीं है बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आएंगे, सिंपली आएंगे, ठीक ठाक आएंगे, जो आप आसानी से मैनेज कर सकते। तो दोस्तों बीटीपी डिजिटल एजुकेशन से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जॉब से रिलेटेड भी, ये इसके अलावा पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन भी तैयारी भी करवा जाएगी, बहुत जल्दी वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। बस ऐसे अपना प्यार बना के रखें दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, बाय बाय।